आका वो से आजम के दल का कुत्ता भी हमारा आका है। क्या है? आका है। अल्लाह अकबर। तुमको हल्के में मत ले लेना कि मैंने समझाने के लिए बता दिया है कि वो आका वो से आजम की बारगाह के अदना गुलाम थे। मैं इसी वजह से समझाना चाहता हूँ कि अदना गुलाम की वैधवा का वो से आजम की बारगाह में क्या है, ये बस बताया बताया सजाया है, तो हमें इसका बेनिफिट मिलने वाला क्या है मिल्लत के नौजवानों। तो वो हजरत बारगी का काम सिर्फ इतना ही था और उन्होंने आका गौसे आजम की बारगाह में आने वाले मेहमानों को 20 साल तक पानी पिलाया। कितने साल तक? 20 साल तक। जोर से बोलो, 20 साल तक। 20 साल तक पानी पिलाया, वजू करवाया, खिदमत की। जब 20 साल का जमाना गुजर गया तो एक मरतबा देखा काजा का महीना है, आखिरी अयाम चल रहा है, आबाद है, बारा तरी शब्बीर की, सारा आलम कर रहा है नौकरी शब्बीर की, साध है, साध है, आबाद है, बारा तरी शब्बीर की, सारा आलम कर रहा है नौकरी शब्बीर की, और रोशनी इस्लाम की फैले लेने चारों तरफ, रोशनी इस्लाम की फैले लेने चारों तरफ, करबला में जल रही है मरकरी शफी की, रोशनी इस्लाम की फैले लेने चारों तरफ, करबला में जल रही है मरकरी शफी वो ठीक होते भी बेकार आदमी लगते हैं। आप लोग खामोश रहिएगा, ये लोग बोलेंगे। साध है, आबाद है, बारा रही सब्जी की, सारा आलम कर रहा है नौकरी सब्जी की, रोशनी इस्लाम की फैले लेकिन चारों तरफ, करबला में जल रही है नौकरी सब्जी की। आपने बड़ी खामोशी से सुन लिया। वो ठीक होते भी बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक होते भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहाँ गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। हमारी हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की जवाब बता दे हर दिल रुबा के दिल का कभी